सर ये जो आरोपी पकड़ा हत्या के मामले, क्या मामला सर, क्या कार्रवाई थी? ये सर 2 फरवरी 2021 की बात है। 4 लड़के थे, कपरोई गांव के रहने वाले थे। ये जो है ना गांव में खेल दिखाते थे साइकिल वगैरह पे, तो यूपी में खेल दिखा रहे थे। उस दिन इनको अच्छा पैसा मिला, तो यहाँ इन्होंने पहले तो कोशिश में दारू पी, ये वहीं सो गए। उसके बाद दूसरे दिन ये चले यहाँ हरियाणा बॉर्डर के पास दारू पी, जिनमें पैसे के बंटवारे पर झगड़ा हो गया था। प्रवीण नाम के लड़के को तीनों ने मिलकर मार दिया था। 2 आरोपी देवेंद्र नाम के, दोनों को देवेंद्र नाम में पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। कल चांद सनो बीना है, कटरोवी का रहने वाला, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है मुकदमे में, जो आज फेस अदालत करेंगे। इसका रिमांड लेकर तो और भी शामिल है, खाली 3 ही लोग शामिल था? तीन ही लोग। सर ये जो आरोपी पकड़ा हत्या के मामले, क्या मामला सर, क्या कार्रवाई थी? ये सर 2 फरवरी 2021 की बात है। 4 लड़के थे, कपरोई गांव के रहने वाले थे। ये जो है ना गांव में खेल दिखाते थे साइकिल वगैरह पे, तो यूपी में खेल दिखा रहे थे। उस दिन इनको अच्छा पैसा मिला, तो यहाँ इन्होंने पहले तो कोशिश में दारू पी, ये वहीं सो गए। उसके बाद दूसरे दिन ये चले यहाँ हरियाणा बॉर्डर के पास दारू पी, जिनमें पैसे के बंटवारे पर झगड़ा हो गया था। प्रवीण नाम के लड़के को तीनों ने मिलकर मार दिया था। 2 आरोपी देवेंद्र नाम के, दोनों को देवेंद्र नाम में पहले गिरफ्तार कर चुके हैं। कल चांद सनो बीना है, कटरोवी का रहने वाला, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है मुकदमे में, जो आज फेस अदालत करेंगे। इसका रिमांड लेकर तो सर और भी शामिल है, खाली 3 ही लोग शामिल था? तीन ही लोग। सर ये जो आरोपी पकड़ा हत्या के मामले, क्या मामला सर, क्या?